जुबैर मोतीवाला साहब जो इस वक्त डेलीगेशन के साथ है, पाकिस्तान के जाने माने बारीक शख्सियत हैं। जुबैर साहब आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। ये आवाज आ रही है जी। जुबैर साहब कुछ रोशनी डालें कि ये जो वफ्त आया है सऊदी अरब का, किन किन सेक्टर्स में इनका फोकस होगा, क्या आप इससे तवक्को कर रहे हैं जी? देखिए बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट था और जो क्राउन प्रिंस के साथ जो इनकी हुई है, मैं हमारी इकॉनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए और इकोनॉमिक टाइज बढ़ाने के लिए वहाँ हैं और अभी वो पहुँच गए हैं पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला। तो अभी कल उनके साथ मुलाकात होंगे, एग्रो है, फिर आपका आईटी है, फिर आपकी एविएशन है, मतलब जितने भी आपके ख्याल में मैं जरा सा वो कि कौन से प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए कि जो आप उनके सामने पेश करेंगे कि जी ये कंपनीज हैं, ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये सेक्टर्स हैं। जुबैर साहब मैं कल उनसे आवाज नहीं आ रही भाई। जी जी सर। जी जी जुबैर साहब वो मैं अर्ज कर रहा था कोई आप लोगों ने अपनी तरजीहात बनाई कि ये जो है हम लोग बुके पेश करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए इन सेक्टर्स में, इन कंपनीज में। जी देखिए बेसिकली जो ये जो इधर जो आए हैं उसी लिए आए हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने जो है कई, जैसे सबसे बड़ा जो सेक्टर हुआ है ना उनका फूड का है, वो फूड के शोबे में ज्यादा करना चाहते हैं। तो फूड के अंदर आप समझ लें चावल है, हर तरह की जो है ना उसके अंदर इंशाल्लाह ताला होगा। और मैं समझता हूँ अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह बहुत इसके अच्छे निकलेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।